व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं नानी के घर, और आप देख सकते हैं यहाँ के व्यू। हम आज जा रहे हैं नानी के घर, यहाँ से 1-2 किलोमीटर है और फिर वहाँ से भी नीचे जाने का रास्ता है। तो आप सोच रहे होंगे ये चैनल तो किसी और का है, मतलब मेरे ताऊ हैं वो, उनका चैनल है। पर हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जैसे जो भी गाँव जाता है तो वो वीडियो बनाता है, तो वो एक ही चैनल में डालते हैं, क्योंकि फालतू में क्यों 3-4 चैनल बनाने। तो मैं भी ताऊ को वीडियो सेंड कर देता हूँ और ताऊ फिर अपने चैनल में डालते हैं। पर अभी तक मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं भेज पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी बहुत बुरी है। और यहाँ पर सिर्फ नेट की दिक्कत है, बाकी सब तो पूरा सही है, पर यहाँ पर नेट की दिक्कत बहुत है। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ वीडियो भेजी, पर वीडियो भी बहुत बड़ी है, 1-1 GB 2 GB की, तो फिर थोड़ा नेट की कनेक्टिविटी की दिक्कत होती है। सो फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। धन्यवाद। सकते हैं सामने बादल, हम इस समय बादलों के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं नीचे पहाड़ी पे बादल हैं। उत्तराखंड की हसीन वादियां, सुबह के सात बज रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या प्यारा मौसम है। कुछ ही लोगों को नसीब होता है ये मौसम में रहने का। देख सकते हैं, अभी मैं नीचे भी वीडियो दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं आप, अभी हम बादलों के ऊपर हैं, बादल हमसे नीचे हैं। देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद बादल, और वो बादल अभी पहाड़ों के नीचे हैं और हम अभी बादलों के ऊपर हैं। देख सकते हैं अब ये स्वर्ग नहीं तो क्या है, हम बादलों के ऊपर हैं। क्या मौसम है, धूप आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देख सकते हैं आप बर्फीली हिमालय, हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, अब इतना दूर हम नहीं दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, वहाँ पे भी बादल हैं हल्के हल्के। ये पूरा पहाड़ है, नॉर्थ का पहाड़ है, ये बर्फ़ से ढका हुआ पूरा। इस रास्ते में और वहाँ की रिकॉर्डिंग में नहीं बना पाया रोड की, क्योंकि बहुत उबड़ खाबड़ थी, तो वीडियो बनती भी तो एकदम बेकार बनती थी, फिर क्या फ़ायदा था। और अभी हम जा ही रहे हैं ऊपर खबर रास्ते से, और अभी मैं आगे आपको सीन दिखाऊंगा, कुछ ऐसे बेहतरीन सीन दिखाऊंगा, आप बोलोगे कि सही में स्वर्ग में रहते हैं। क्या सीन है, बादल नीचे हैं हमसे, हम बादलों के ऊपर हैं। और अभी चल रहे हैं हम यहाँ पर, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे कुछ सीनों का मज़ा लीजिए आप। धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप सीन, हम कितना ऊंचाई पे हैं, ये देख सकते हैं। ये वहाँ पे 2 घर हैं, सामने वो दूसरा पहाड़ लगता है और वो भी उसके पीछे वाला पहाड़, और सामने देख सकते हैं बादल हैं नीचे, ये सफ़ेद सफ़ेद बादलों के ऊपर हैं हम। ये देख सकते हो आप कितना ढलान वाला रास्ता है। मम्मी जा रही है नीचे, हम मम्मी लोगों को आदत है इधर, बचपन से इधर ही रह चुके हैं, हमें थोड़ी दिक्कत हो रही चलने में, तो फिर कंटिन्यू करते हैं।
गाइस देख सकते हो हम आधा रास्ता कवर कर लिए। देखो नीचे कितना खाई है यहाँ पे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एकदम सिक्योरिटी चलो। देखो इतना पतला रास्ता है और एक कदम भी गलत रखा तो हो गया काम फिर, पर क्या करें, अब सुंदरता भी है रिस्क भी है। गाइस आधा रास्ता पार कर लिया है और पीछे पीछे आ रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर आम के पेड़ ही मिलेंगे आपको, मतलब आम के पेड़ बहुत हैं यहाँ पे, 60% आम के पेड़ ही होंगे यहाँ पे। थोड़े आम लेट पकते हैं, क्या पता हमें मिल जाए थोड़े से आम, हम भी गांव के आम चखें। बहुत स्टीप रास्ता है, तो बहुत ज़्यादा ही ढलान वाला रास्ता है, पत्थर ही पत्थर है, मतलब ऐसा होता है ना रास्ता जैसे दिल्ली में ऐसे, यहाँ पे शशि मार्ग बोलते हैं उसको, एकदम प्लेन रास्ता होता है उसमें, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती फिर। पर ये थोड़ा पत्थर वाला रास्ता, टांगे दर्द हो गई हैं क्योंकि अपने गांव में भी 3-4 बार खाल चले गए। खाल मतलब जहाँ पे रोड है, यहाँ पे मार्केट है गांव से, दिखाई थी मैंने आपको वहाँ पे भी। कंटिन्यू करते फिर आगे। गाइस पहुँच चुके अपने गांव और सही है एकदम, यहाँ से भी क्या सीन है मैं बताऊँ आपको। देखोगे सीन, सीन देखना चाहते हो, चाहते हो सीन देखना, दिखाते फिर आपको भी सीन। ये देखो भाई, गाइस आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, चलो ये देखो गाइस। बादलों के साथ साथ आ गए हम भी, और साफ साफ दिख रहा होगा बादल की, अब बादल हमारे साथ साथ ही हैं, क्या सीन है गाइस। और गांव पहुंच चुके हैं अभी, तो हल्का सा डर इस बात का है, हमारे कुत्ते का डब्बू नाम है उसका, और वो बिस्किट निकाल ले पे काटने आ जाएगा, डब्बू नाम है उसका, और वो पहचाने का तो नहीं हमें, जब पहचान लेता तब बहुत प्यारा है, पर जब नहीं पहचानता तो काटने के लिए आ जाता है। गाइस देखो भौंक रहा है अभी हम पे, अभी जानता नहीं है, अभी भौंकेगा फिर जान लेगा तो नहीं भौंकेगा। पहुंच गए गाइस हम अपने नाना के घर, और यहाँ धूप बहुत तगड़ी आ रही है, और यहाँ थोड़ा नीचे है ना पहाड़ में, जितना घर नीचे होता है उतनी धूप तेज होती है, जितना ऊपर होता है उतना थोड़ा ज़्यादा कम धूप होती है। तो पहुँच गए हम, आधे घंटे में पहुँच गए यहाँ पे, और देख सकते हो आप पूरा मतलब घर खाली है, सिर्फ यहाँ पे हमारे नाना जी और एक और अम्मा रहती है यहाँ पे, और बस माना थोड़ी वीडियो छोटी है पर क्या करें, मैंने चले ना गाइस क्या कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं मिले ना मेरे को, वरना मैं वीडियो में मिलते क्लिप्स तो मैं डालता उसमें, थोड़े थोड़े हैं बेहतरीन क्लिप्स हैं वो भी इस वीडियो में डालूंगा। सो अभी नेट की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आने में थोड़ा 1-2 दिन लग जाएंगे, तो जब भी वीडियो आएगी तो इसको पूरा सपोर्ट देना, जितने भी मेरे दोस्त हैं या जितने भी सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के। तो आज के लिए गाइस इतना ही, होप आपने वीडियो इन्जॉय करी होगी, और डब्बू को देखना, आपको देखो डब्बू को, बैठा है डब्बू हमारा, बैठा शेर जैसा एकदम, मतलब इसके आपको इसकी भी मैं क्लिप दिखाऊंगा थोड़ी, शेर जैसा एकदम खतरनाक, बाघ भी डर जाए इससे, तो थोड़ा बूढ़ा हो गया बेचारा, कोई बात नहीं, चलो बाय गाइस।